फिलहाल आप जो है खुआरा चौक का आगे तो यो काफिला देखने लाग रहे हो और यो जो है चलन में तैयार है, कित जान लाग रहा है, बड़ी बड़ी ये है, कुछ महिला आ रही है, इनसे भी बात करांगे। सीरो जी, हेलो जी, कौन से नाम था? अच्छा पूरी गाड़ी ले रहे हो? पूरी जिंदाबाद, पूरी जिंदाबाद, पूरे करके जाओगे आज? पूरे करके। हाँ। कितना जोश हुए सर साहब? भाई जनता का जोश है, माता है बहने, तो आपको पता है टीम नरेश के साथ जुड़ी हुई है। हाँ। और ये सारे टीम के सदस्य यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ कोई रैली को नहीं? नरेश यादव ले आस है। यहाँ रैली को नहीं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो उसमें ताकत दिखाने की। जिस दिन रैली होगी ये तो कार्यकर्ता तो जाओगे यार, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बिल्कुल रैली होगी उस दिन, तो 80 में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये नजारा आपको बहुत जल्द 11 अगस्त को देखने को मिलेगा। 11 अगस्त को में बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली। आज भी जो है बात करूं कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो चलो भाई जो पर्सनल आज उन्हें ले जाओ, आप तो लोग भीड़ दिखाने लगे। कार्यकर्ता है सारे, ये बिल्कुल टीम ने। हाँ बिल्कुल, 10,600 सदस्य महिलाएं टीम नरेश की सदस्य है रजिस्टर्ड, तो कार्यकर्ता तो आएंगे ना भाई। हाँ जी सही बात है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। किसी की तैयारी है? तैयारी बहुत खूब है, कम से कम 15-16 हजार आदमी लेके जाएंगे, 10 हजार तो लेडीज है। हाँ चलो भाई, इधर तो शुरुआत होने लग रही हो रही, मैं इन्हें देखू। हाँ सोनू पपनेजा जी है। अंकल जी नमस्ते। ठीक हो? देखने लग रहा था पूरे जाम लागण लाग रहे, इतनी गाड़ी लिया है आप कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो जो पर्सनल आदमी हुए जाकर आप तो ताकत दिखाने लगे। ना ना कोई ताकत नहीं है, प्यार है सबका, हल्के का प्यार है, सच में कोई ताकत नहीं है। ये कार्यकर्ता है सारे? कसम से कार्यकर्ता, विश्वास कर मेरी बात, झूठ नहीं बोलता कभी। ये कार्यकर्ता है सारे, सिर्फ एक कॉल ऐसी थी कि चलना है, वो इकट्ठा करते तो कम से कम 300 गाड़ी हो जानी थी। हाँ। ये तो पर्सनल गाड़ी आई हुई, 5-10 भाई को इधर उधर से आए हुए हैं। हाँ। बाकी सभी गाड़ियां पर्सनल है। अच्छा, फिर जिस दिन रैली करोगे उस दिन तो फिर नजारा है, रैली उठा देंगे, दुम्मा उठा देंगे, तो दिखावा हुड्डा साहब ने भी कांग्रेस की रैली कैसी होती है। बिल्कुल, बसे जो है लोड होने लगी है, पूरी इस बस में भी जाके जो है एक बार बात जरूर करांगे। और ये महिलाएं की जान लग रही है, स्टिकर जो है तीर्थ यात्रा वाले है, बात इनके अंदर चढ़ के कर लें एक बार। ताई राम राम। राम राम। कौन से काम थे ताई? कुवारी थे। कुवारी थे। हाँ। सारी कुवारी तैयारी के आज ताई? कुवारी सब तैयारी है, सब कुवारी। अच्छा फिर तम कुवारी तो इस हार लो बड़े पहले हंसी कहता है हंसी आगे उन्हें बुलाया हंसी से हमें हंसा है किसका गाँव रैली तो इस हार है भाई अमन को मेरा अमन दसी का नाम दिया था आदमी ताई की घर का साथ। अच्छा पहुंच गए ताई की बात सही है। ताई राम राम। राम राम। तगड़ी है ताई? तगड़ी खूब है। कौन से काम? कुआरी के। अच्छा ये सारी है कुआरी? हाँ। तो फिर आज हुड्डा साहब जी मजबूत क्यों जाओ? और के बीजेपी तो तंग है रहे भाई, बीजेपी की सरकार ही वे। हाँ। उससे तंग हो ना? तंग क्यों सा, फिर जो दे हुड्डा को रजाओ बीजेपी तो तंग खुश कर दो। अच्छा तारे गांव का एक रोड बना था भाई, वो काफी चर्चा में रहा है, वो रोड ही बन गया कि ये ले जाएगा इसके के लिए जाओ देखने में क्या मसला है, हमने के दे रही है इसके के लोग। हाँ और के कुवारी वाला वो रोड नुगो कई दिन का फूट रहा था, वो बन गया कि मन में के दे। अच्छा आप हंसी तो हो गया शुरू हो गया मनना हो? राम राम भैया। राम राम। हाँ। वो रोड बन गया के रह रहे? बन गया आधा तो बन गया, रोड बन दान दान लग रहा। हाँ। चलो भाई आखिरी गांव इस साइड का जो है तो रोक के एक बार कहाँ की तैयारी है? इसार की जी। इसार की हुड्डा साहब ने मजबूत कर? हाँ। अच्छा बीजेपी तो तंग हो रहे हो? तंग क्या बहुत ज्यादा तंग है। चलो आप साइड में लगाओ एक बार, उधर जाम नहीं लगाना चाहिए अपनी वजह से। हाल जो है नरेश यादव भाई साहब निकलना है भाई जी, दो मिनट का वक्त चाहूंगा। नमस्कार स्वागत। नमस्कार। अच्छा मैं एक देखने लग रहा था आपने गाड़ी बुला ली, बस बुला ली या रैली थोड़ी थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था इसमें ताकत? ये तो सिर्फ कार्यकर्ता है, जिस दिन रैली होगी उस दिन तो 80 हजार जाम हो जाएंगे। अच्छा टीम नरेश का 16 हजार मेंबर का तो संगठन है, अगर एक मेंबर दो आदमी भी ले गया तो 32 हजार आदमी तो कहीं बुला सकते हम। हाँ। तो ये कार्यकर्ता ही हैं, अभी तो मतलब रैली वाला काम तो है ही नहीं, ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन ही रैली में तब्दील हो जाएगा। अच्छा लोग जो है इस तरह की बात भी चलाओगे भाई, प्रेशर पॉलिटिक्स पे आगे ज्यादा भीड़ दिखा के अपनी दावेदारी मजबूत? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब ये कोई टीम होती है कहीं उसको कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाना तो सारे कार्यकर्ता ही जाएंगे। अगर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात होती
तो हम तो किसी गांव में कहने भी नहीं गए, एक मैसेज फोन पे डाला, मैसेज से ही सब आगे। अच्छा वेणुगुला एक बिल्कुल एक मैसेज में आ जाते हैं सब। टीम नरेश सेवा का संगठन है और ये इंतजार करते हैं सेवा को कहाँ तक इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा ये आज वाला सम्मेलन उड़ा साहब की कितनी ताकत देगा? बहुत जबरदस्त टीम नरेश आखड़ी है वहाँ बल्ले बल्ले है। हाँ पूरा हिसार लोकसभा की बात ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सामाजिक ऐसे ऐसे काम किए, जनता के ऐसे काम किए, आज पूरे के पूरे हरियाणा में एक तरफी लहर है। मैं तो ये कहता हूँ चौधरी देवीलाल वाली जो हवा थी वो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दोहरा सकते हैं, हो सकता है आपकी बार 85 सीटें आए। ये हालात है पूरे हरियाणा में, आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भांजे के नेतृत्व में जनता बिल्कुल कांग्रेस की सत्ता के नजदीक खड़ी है। अच्छा हुड्डा साहब एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हरियाणा मांगे साहब, तो हांसी भी साहब मांगेगा क्या? बिल्कुल हांसी तो मांगे खड़े हैं पहले, और असली हिसाब की शुरुआत तो हांसी से ही होनी है। हाँ। क्योंकि सबसे करप्ट और भ्रष्ट विधायक तो हांसी में है। हाँ। तो इसलिए शुरुआत ही हांसी से करेंगे। आज जो है कितनी बस कितनी गाड़ी कितने लोग लगे? 21 के करीब बसे है और 125 के करीब गाड़ियां हैं। और जो पर्सनल साधनों से जा रहे हैं वो अलग है। अभी तो 60 के करीब यूनिवर्सिटी में गाड़ी पहुंच चुकी है हमारी, तो गाड़ियां इशार तक हम जाते जाते 200-250 गाड़ियां हमारी हो जाएंगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ये आप देख सकते हैं कि नरेश यादव जो आज अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं, और कार्यकर्ता सम्मेलन था लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ को देख के लग रहा है कि एक रैली का रूप ले रहा है।